नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 20 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 अक्टूबर को कुशीनगर दौरा है, जहाँ वो कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी कर सकते हैं और एक बड़ी सौगात कुशीनगर वासियों को दे सकते हैं। तो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर पहुंचे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा लिया है, एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है, एक बैठक की। आगरा में किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह ने प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन के चलते पूर्व विधायक ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम प्रभु नारायण सिंह का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की है। साथ ही खाद, बीज, बिजली और फर्जी मुकदमों के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिला मुख्यालय पर लगातार प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर डीएम कार्यालय भी कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हैं और डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही साथ डीएम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी मांगों को सुना जाएगा और उनकी मांगों पर काम भी किया जाएगा। खाद, डीएपी और यूरिया की बहुत भारी कमी है, जो हमारे आगरा जिला के किसानों की जितनी डिमांड है अभी तो मिल ही नहीं रही है। लेकिन अभी जो अलर्टमेंट भी सरकार ने किया, वो डिमांड से बहुत कम किया है। जैसा हमारे यहाँ करीब 60,000 टन की ज़रूरत है और सरकार ने अभी केवल 2700 टन करीब दी है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों भी किसानों को भारी समस्या हो सकती है खाद की। इसलिए आज हमारे सब किसान एकत्रित होकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात करने आए थे, अपनी बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी 2-3 दिन के भीतर ही हम खाद की समस्या को सॉल्व कर देंगे। कोई लाइट की समस्या है? लाइट हमारे जो किसान हैं, मैं बार बार आपने देखा, हम लोग एमडी कार्यालय पे भी 10,000 किसान गए। किसानों को 20 घंटे बिजली चाहिए कम से कम उनके नलकूपों को। वर्तमान सरकार केवल 10 घंटे बिजली दे रही है। हमारी मांग है और आंदोलन जारी रहेगा। इस समय तो वैश्विक संकट है बिजली को लेकर, वो अलग बात है, लेकिन सरकार ने एक आदेश कर दिया है कि केवल 10 घंटे ही बिजली देंगे, तो वो बहुत हम उसका विरोध कर रहे हैं पहले दिन से। हमें कम से कम जो नलकूप किसान हैं, जो नलकूप हैं किसानों को, ना 20 घंटे बिजली चाहिए और हमारा आंदोलन बराबर जारी रहे और जरूरत हुई तो हम कमिश्नर साहब का भी बहुत बड़ा घेराव करेंगे। तो आगरा की तस्वीरें आपने देखी है। दरअसल आगरा में किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको ये भी बता दूं कि प्रदर्शन के चलते पूर्व विधायक ने जिला मुख्यालय पहुंचकर वहां के डीएम प्रभु नारायण सिंह का घेराव भी किया। कार्यालय के बाहर बैठ गए, जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही खाद, बीज और बिजली फर्जी मुकदमों के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही साथ ये कहा है कि लगातार किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों के साथ जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर पूर्व विधायक ने जमकर नारेबाजी की है, डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। बाराबंकी में लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम रखा गया, जहां भारतीय किसान यूनियन की ओर से कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक नेता को मंच साझा करने की अनुमति नहीं मिलने को लेकर बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान हो या नेता, हम सब पहले इंसान हैं और किसी ऐसे कार्यक्रम में इंसानों को आने के लिए मना करना दूषित मानसिकता को दर्शाता है। तो बाराबंकी में सांसदों को और नेताओं को मंच नहीं मिला, जिसकी वजह से वहां पर जो नेता पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए, उन्हें वैसे ही लौटना पड़ा। लेकिन इसको लेकर एक बयान जरूर वायरल हो रहा है। उस बयान में कहा गया है कि भले ही वो नेता हो, भले ही वो किसान हो, सबसे पहले वो इंसान है और ऐसे मौके पर मंच साझा करने की अनुमति ना देना कहीं ना कहीं एक दूषित मानसिकता को दर्शाता है।
आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो पीलीभीत के रास्ते लखीमपुर जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान प्रशासन ने बरेली एयरपोर्ट पहुंचने पर जयंत चौधरी को वहां जाने से रोक दिया, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से उन्हें जाने की इजाजत दी गई है। तो लखीमपुर के लिए रवाना हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया, यानी कि बरेली एयरपोर्ट पर जयंत चौधरी को रोका गया, लेकिन वहां पर कुछ देर बाद ही उन्हें लखीमपुर खीरी के लिए वापस रवाना किया गया है। बाराबंकी की गलियों से अबीर रिक्शा के जरिए कचरा उठाया जाएगा। जी हां, नगर पालिका ने डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए ई रिक्शाओं की खरीदी की है, जिसका उद्घाटन बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इन ई रिक्शा से कचरा उठाने में काफी आसानी होगी और इससे शहर साफ सुथरा और सुंदर भी बना रहेगा। तो ई रिक्शा के जरिए अब कचरा उठाया जाएगा। नगर पालिका ने ई रिक्शा खरीदे हैं, शहर को साफ सुंदर बनाने की एक नई पहल देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी की सोच है स्वच्छ भारत और सुंदर भारत बने अपना, और उसी सोच के तहत पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है कि पूरा देश स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। आज बाराबंकी नगर पालिका में भी ई रिक्शा खरीदे गए हैं, और ई रिक्शा के माध्यम से जहां पर लोगों के घरों में जा करके वहां से कूड़ा लेकर के और शहर में कहीं पर डंपिंग न होने पावे, तो ये छोटे छोटे ई रिक्शा कूड़ा लेकर के और गंतव्य स्थान तक उनको पहुँचाने का काम करेंगे। ये बाराबंकी को स्वच्छ रखने में अपना पूरा योगदान इससे मिलेगा। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों और शहीद पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए शामली के अग्रसेन पार्क में दर्जनों किसानों ने हवन यज्ञ कर मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इस दौरान किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने कहा है कि 10 महीने से ऊपर बीत चुके हैं और किसान लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। सरकार का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं। तो शामली में अग्रसेन पार्क में किसानों का जमावड़ा लगा रहा। शहीद किसानों को यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गए, हवन पूजन किया गया। जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है जो लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के बेटे आशीष मिश्रा जी द्वारा, उन्होंने जो है गाड़ी के द्वारा कुचलकर उनकी हत्या की है, उसी जो है जो उनकी जो अंतिम अरदास है उसमें जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब यहाँ पर किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। ये एक बहुत जघन्य, निंदनीय और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात का एक क्रूर इतिहास है जिसमें किसानों को इस तरह से कुचला गया है, और ये इसकी तुलना सभी ने अपने तरीके से की है। मैं तो इसकी तुलना जनरल डायर से करता हूँ। जनरल डायर ने इतनी हत्याएं किसानों की होने के पश्चात लगभग 700 से अधिक किसान की हत्याएं हो चुकी है, और एक शब्द भी सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा उनके जो है श्रद्धांजलि स्वरूप नहीं किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो शायद हमारा जो है पराधीन जब हम थे, ये देश हमारा स्वाधीन नहीं हुआ था, उस टाइम पर अंग्रेजों द्वारा भी इतने जो है इस तरह का क्रूर कार्य नहीं किया गया जो किसानों के साथ लखीमपुर में किया गया है। लगातार 10 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ धरना दे रहा है, उसी कड़ी में पूरे देश में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। लखीमपुर में भी एक कार्यक्रम था जिसमें उप मुख्यमंत्री आने वाले थे, वहाँ पर किसानों ने शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा वहाँ पहुँचा और उसने निहत्ते किसानों पर पीछे से वार किया, कायरों की तरह गाड़ी चढ़ाने का काम किया। ये घटना आज तक भारतवर्ष में आज़ादी के बाद कोई ऐसी घटना नहीं है। अंग्रेजों ने जरूर ऐसी घटना की होंगी या मुगलों ने की होगी, कभी की होगी वो हमको याद नहीं है, लेकिन जिस सरकार को हमने चुना, जिस सरकार को हमने वोट दी, जिस सरकार ने हमको सपने दिखाए कि किसान की आय दुगनी करेंगे, आपको विकसित करेंगे, उसी सरकार ने किसानों को कुचलने का काम किया। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं और बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहे हैं, और एक हमारा पत्रकार साथी भी उसमें शहीद हुआ है,
उन्हीं की श्रद्धांजलि सब आज रखी गई है, उसी को लेकर हवन हो रहा है। इसके बाद में शांति पाठ होगा और हमारे जो मुस्लिम किसान भाई हैं वो भी जनाजे की अपनी नमाज अदा करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से दुआ करेंगे कि उन आत्माओं को शांति मिले और इसके बाद एक बैठक होगी और बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता किसान लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे। आगरा में एक दबंग महिला ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मारपीट का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने बदमाशों पर कार्रवाई न करते हुए उल्टा महिला के पति को ही जेल में बंद कर दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि दबंग महिला उसकी भाभी है और उसी ने उसकी पिटाई की है, जिसका वीडियो भी उसके पास है, लेकिन पुलिस है कि पीड़िता की सुनने को तैयार ही नहीं। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिला ने अपनी भाभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला से घर में घुसकर मारपिटाई हुई है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाराबंकी जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर एक एएनएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कर्मी का आरोप है कि सीएससी अधीक्षक लगातार उसके साथ शोषण की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान है। वहीं महिला कर्मी ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की और मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो बाराबंकी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर आरोप लगा है। अस्पताल के एएनएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसे जल्द ही इंसाफ मिलना चाहिए, अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो आगे वो उच्च अधिकारियों के पास पहुंचेगी। सीएससी जाता बरौली में एनएम की पोस्ट पर तैनात हुई। यहाँ के अधीक्षक मेरे हस्बैंड वाइफ पर्सनली मैटर चल रहा था, उसको लेकर मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे थे। इसी को लेकर थोड़ी छोटी सी बातों में ये मेरा अक्सर ही लेटर बनाते हैं, अक्सर मुझे परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। बस कहते हैं अपने पति से मत बात करे हो, तो मुझसे क्यों पति आती हो, ऐसा करती हो वैसा करती हो, इधर जब कोई फोन से बात हो फोन से बात नहीं करते हैं, इधर आओ सीएससी आओ, आए दिन मुझे सीएससी तोड़ाते हैं और कहते मुझसे बात करो तुम। आज आप यहाँ कहाँ आई? मैं यहाँ एस पी सर के पास आई हूँ अपनी गुहार लगाने। सर मुझे अधीक्षक से मेरे अधिकारी से मुझे न्याय दिलाया जाए। बरेली के थाना प्रेमनगर में एक लोडर गाड़ी के नीचे आकर एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल महिला सुबह अपने घर एकता नगर के बाहर चौराहे पर पूजा करने आ रही थी और उस समय तेज रफ्तार लोडर गाड़ी ने महिला को कुचल दिया। वहीं आनन फान में महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हादसे के बाद महिला के परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। निवासी एकता नगर थाना प्रेम नगर के द्वारा थाना प्रेम नगर पर एक सूचना दी गई। उनमें उनके द्वारा बताया गया कि इनकी भाभी जो कि झूलेलाल द्वार काली मंदिर पे पूजा कर रही थी, तभी एक कार सवार व्यक्ति तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ आया और इनकी भाभी की एक्सीडेंट हो गया। मौके पे इन्हें गंभीर चोटें आई। वहाँ पर जो मौजूद स्थानीय लोग थे इनको चिकित्सा उपचार हेतु एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान में इनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में इस तहरीर के आधार पर थाना प्रेम नगर पर 279/304 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो चालक नामजद है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चालक का नाम अमनदीप, जो कि पूरनपुर थाना और जनपद पीलीभीत का रहने वाला है। जो गाड़ी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी को भी पुलिस में ले लिया और इसमें अगली विधि सुनिश्चित कराई जा रही है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद में दबंगों ने एक दंपति की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं इस मारपिटाई में दंपति बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज के दौरान महिला के पति ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। बरेली की तस्वीरें, दबंगों ने दंपति की जमकर पिटाई की है। मारपिटाई के चलते महिला के पति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। इनका ऐसा था, इनकी लड़की अब से कई फिर भाग चुकी थी, कई बार भाग चुकी थी तो ये पकड़ लाए कर रहे थे। अरे कई बार भागने के बाद में अब जो
अब करा इनके इनके लड़के हमारे भाई के लड़के के साथ में उस घर में घुस गई जबरनिया ये, फिर इनने इनको घर को पहुंचा दिया था, फिर जाके फिर घुस गई इनने, फिर हमारे भाई को मारा था। मारने के बाद में नहीं तो फिर कुछ दिन के बाद में लफोटर बैठा हुई, उसके बाद इन्हें 6 महीने बाद फिर मारा। दिनांक 10/10/2021 को वादी अफसर खां पुत्र सरवर खां निवासी करमपुर चौधरी थाना इज्जत नगर के द्वारा थाना इज्जत नगर पर एक तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि इनके पिताजी और इनकी माताजी जंगल में लकड़ी बटोरने के लिए गए थे, तभी वहाँ पर लगभग शाम के 4 बजे शमसू खां मोमिन इत्यादि 6 नफर जान से मारने की नीयत से इनके ऊपर लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया। उक्त हमले में इनके माता और पिताजी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके इलाज हेतु उन्हें जिला अस्पताल में भेज दिया गया। इस संदर्भ में थाना इज्जत नगर पर 147, 148, 307 और 323 सिकम पर पंजीकृत कर दिया गया है। दौराना इलाज इनके पिताजी जिनका नाम सरवर खां है उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें घटना में जो 6 नामजद अभियुक्त है उसमें से 1 नामजद अभियुक्त बुलंदशहर के प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक की कार साफ करते हुए एक छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि बच्चा हाथों में पोछा लेकर शिक्षक की कार को चमका रहा है। वहीं खबरों की माने तो इससे पहले भी बुलंदशहर के स्कूल में 2.5 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी और छात्रों से रोटी बनवाने का वीडियो भी वायरल हो चुका था। आपको बता दें कि आज 2 तस्वीरें सामने आई हैं, एक औरैया से और एक बुलंदशहर से, जहां पर औरैया में बच्चे का स्कूल में झाड़ू लगाते वीडियो वायरल हुआ है, तो वहीं दूसरी तस्वीर बुलंदशहर से सामने आई जहां बुलंदशहर में शिक्षा व्यवस्था की हालत बदतर है। आप देख सकते हैं शिक्षक की गाड़ी साफ करता हुआ ये मासूम नजर आ रहा है। तो बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था की एक और तस्वीर सामने आई है। दरअसल स्कूल में टीचर की गाड़ी साफ करता हुआ ये छात्र कैमरे में कैद हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। वहीं बुलंदशहर के कुछ दिनों पहले ही जो छात्राएं हैं उनका रोटी बनाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। स्कूल के अंदर वो रोटियाँ बना रही थी, इसके अलावा 2.5 लीटर दूध में 1 बाल्टी भर के पानी मिलाया जा रहा था और वही बच्चों को दिया जा रहा था। तो ये है शिक्षा व्यवस्था जिसे और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की ये किस तरह की तस्वीरें हैं। पूरी तरह से बदहाल हैं, मासूम टीचर की गाड़ी साफ कर रहा है, हाथ में पोछा लेकर गाड़ी साफ करता हुआ वो नज़र आ रहा है। तो कभी झाड़ू लगाने का, कभी गाड़ी साफ करने का वीडियो छात्रों के लगातार वायरल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर से ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी लोकेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, बुलंदशहर से एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है, एक मासूम सा बच्चा जो कि एक छात्र भी है, स्कूल की वर्दी पहने एक टीचर की गाड़ी साफ कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये सिकंदराबाद के फरीदपुर का पूरा मामला है, जहां पर स्कूल का एक बच्चा जो है वो टीचर की गाड़ी को साफ करता दिखाई दे रहा है। और ये बड़ा शर्मनाक एक वाक्य है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, जो शिक्षा है वो प्राप्त करने के लिए आते हैं, उसके बाद जो स्कूल के टीचर हैं वो बच्चों से इस तरह का कार्य जो है वो कराते हैं। इस पूरे मामले पर हालांकि अब ये बीएसए के संज्ञान में पूरा मामला आया है और कार्यवाही की जो बात है वो बीएसए कर रहे हैं, लेकिन आगे तक के लिए इससे पहले भी बुलंदशहर से ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चों के खाने में पानी मिलाया जा रहा था, जो छात्राएं हैं उनसे रोटियां बनवाई जा रही थी। जी देखिए, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तरीके से देखा जा रहा था कि 2.5 लीटर दूध में किस तरह से 1 बाल्टी पानी जो है वो मिलाया जा रहा था और फिर उसके बाद वो बच्चों को दिया जा रहा था। ये बहुत शर्मनाक बात है, लगातार ऐसे जो स्कूलों में वीडियो वायरल होते रहते हैं ये लगातार देखा जाता है कि बच्चों को शिक्षा के नाम पर जो स्कूल के काम है वो कराए जाते हैं, जिससे कि बच्चों की शिक्षा है वो प्रभावित होती है और उसके बाद भी जो टीचर है उनको बिल्कुल भी ये जो है पता लग पाया नहीं है कि ये जो गाड़ी है वो किस टीचर की है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है।
देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो बनाई गई है वो बच्चे से पूछ भी रहा है और वो ये बता रहा है कि जो स्कूल के अध्यापक हैं उन्हीं की ये गाड़ी है जिसको वो साफ कर रहा है। अब हालांकि जो BSA हैं उन्होंने कार्रवाई की बात को कहते हुए पूरे मामले की जाँच करके कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ओके, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर में भी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर अवस्था में है। हमीरपुर में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। खबरों की माने तो युवक अपने घर से बिना बताए बाहर निकला था लेकिन घर नहीं लौटा, जिसके बाद छानबीन करने के बाद युवक का शव मिला है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हमीरपुर में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरदोई में सड़क हादसे में एक दंपति और उनके बेटे की मौत हो गई। बता दें कि एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार तीनों लोगों को रौंद दिया जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये पियानी थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक बाइक पे तीन लोग थे, एक बच्चा था और पति पत्नी थे और ये एक प्राइवेट बस से हुई है, सवारी वाली बस से। बस को पकड़ लिया गया है और ये तीनों की मृत्यु हो गई थी, इसमें कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले थे ये? शाहजहाँपुर में रहते थे, रोजा कॉलोनी में, और ये मूल रूप से बेटा गोकुल के रहने वाले। तो हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला जहाँ पर बाइक सवारों को रौंद दिया गया है। दरअसल एक ही परिवार के तीन लोग बताए जा रहे हैं जो कि बाइक पर सवार थे। पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। सहारनपुर में बुखार के मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीरें बेहट तहसील के कलसिया स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर की, जहां पर बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज क्लिनिक के बाहर हाईवे पर बनी एक पंचर की दुकानों के अंदर किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मरीजों को पेड़ से बांधकर ग्लूकोज चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले में जब बात की गई तो पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे थे, लेकिन जैसे ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अब CMO डॉक्टर संजीव मांगलिक ने इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई नजर आती है। आखिर इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, ऐसे सवाल आम जनता के हैं। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। ये मुजफ्फराबाद कल मेरे संज्ञान में आया था, कुछ लोगों ने बताया था इस तरह से वो ड्रिप लगा के एक बगीचे के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ मुजफ्फराबाद ब्लॉक के अंदर आता है। तो मैंने वहाँ के डॉक्टर जो हैं उनको इन्फॉर्म किया तुरंत ही, और डॉक्टर अशोक हैं वहाँ सुपरिटेंडेंट हैं मुजफ्फराबाद के, तो वो कल भी गए थे वहाँ, कल उन्होंने बंद कराया उसको, जो उनसे मेरी बात हुई है अभी, तो उन्होंने बताया कि वो BMS डॉक्टर हैं और काफ़ी समय से वहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो आयुर्वेद की, तो उन्हीं ने ही वहाँ उसको जो है ड्रिप लगा रखी थी कुछ, तो उन्होंने उनको सब उनको वो बंद करने के निर्देश दिए और साथ में वो पूरे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आज यहाँ भेजेंगे CMO कार्यालय। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है, मासूम बच्चों का इलाज पेड़ के नीचे हो रहा है, आखिर कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है? जी मैं बताना चाहूंगा, सहारनपुर में दाखिल में जिस तरह बुखार का प्रकोप चला वहां पर तीन मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कोई जागरूक नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम जो है लावा छिड़काव करा रहे हैं, टीमें भेज रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में चल रहा है सिर्फ ये काम। जी इस पूरे मामले पे अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पेड़ से बांधकर ग्लूकोज की बॉटल्स लटकाई गई हैं, मासूम बच्चों का इलाज पेड़ के नीचे हो रहा है हाईवे पर, क्या अस्पताल में इनके लिए बेड नहीं है या कोई सुविधा नहीं है?
जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हम बहुत है, लेकिन जब मरीज जाता है तो वहाँ पर कोई बेड नहीं मिलता, वो धक्के खाकर वापसी पेड़ के नीचे इलाज करा रहा है या घर पर इलाज करा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पेट से बांधकर मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से लचर हालत में है। आगरा में थाना हरी पर्वत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने अंतर्राज्य चोरों के गैंग का खुलासा किया, जिसमें 7 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने दिल्ली, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद सहित कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से कार और मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुए हैं। तो आगरा की तस्वीरें, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, अंतर्राज्य 4 चोरों के साथ सामान भी बरामद कर लिया है। 7 चोर ये बताए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली समेत कई जिलों में लगातार चोरी की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे थे और काफी समय से पुलिस इन 7 की तलाश में थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।